सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज सुबह जो हमको सूचना मिली है, विधानसभा के सदस्य आदरणीय रामदेव यादव जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है, उसको लेकर के हम लोग शोक जताते हैं और पूरी संवेदना जो है उनके परिजनों के साथ है। अचानक से ये खबर हम लोगों को मिली है कि आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो हम अपनी पूरी पार्टी के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे बिहार की जो स्थिति है, जो मूल समस्या जो अभी उभर करके सामने आ रही है, जिससे बिहार जूझ रहा है, बिहारी जूझ रहे हैं, आप सबको पता है, बाढ़ और कोरोना जो दोहरी जो मार पड़ी है उसको लेकर के पूरी स्थिति जो है भयावह पूरे बिहार में बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार है और लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं इस मसले को लेकर के, सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन कभी भी चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार जो है बाढ़ और कोरोना को लेकर के गंभीर रही। महत्वपूर्ण सवाल, पंखा बंद करवा दीजिए, महत्वपूर्ण सवाल जो है, आप सब लोग जानते हैं कि लगभग बाढ़ से 16 जिला जो है वो प्रभावित है, 130 प्रखंड प्रभावित है, 1331 पंचायत प्रभावित है और लगभग 84 लाख जो बिहार की आबादी है वो बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा, हमारे कई बार कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आनन फानन में केवल 2 बार हेलीकॉप्टर से यात्रा करने गए। हम जानना चाहते हैं कि लगभग जो आप देखिएगा 84 लाख लोग जो बाढ़ से जो प्रभावित है, उनके लिए कोई भी बंदोबस्त सरकार ने तैयारी जो प्रोएक्टिव होकर के करना चाहिए था उसने नहीं की। आप देखिएगा जो हेलीकॉप्टर जो भी चले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं जानना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना के चले हैं, कितने हेलीकॉप्टर चले हैं, केवल मात्र 2-3 दिन जो है दिखाने के लिए उन्होंने वितरण कराया है जो राशन, लेकिन कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर चला है। आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी बताएं कि 84 लाख आबादी जो सड़क पे आ गई है, जो हम लोग कई जगह, हम चंपारण तटबंध टूटा, आपका जो है छपड़ा का सारण का जो तटबंध है वो टूटा, सैकड़ों में पुल पुलिये टूटे, कई नया उद्घाटन किया हुआ जो पुल है उसका अप्रोच रोड टूटा, बांध टूटे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बांध तटबंध या पुल पुलिया जो है वो टूटे होंगे। लोगों का एकमात्र सहारा है पुल, या आप देखिएगा कि सड़क पे आ करके जो हैं लोग रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से हम जानना चाहते हैं कि जब 84 लाख आबादी प्रभावित है तो आपने राहत के लिए क्या किया, आपकी क्या तैयारी रही, क्या केंद्र सरकार इतनी भी गंभीर रही कि अपना समीक्षा के लिए केंद्र टीम भेजी हो, या इन्होंने बाढ़ के लिए केंद्र
से सहायता मांगी कि नहीं मांगी। अब मांगी सहायता तो